के स्वाधीनता संघर्ष में 2 सितंबर का बहुत महत्व है। 1946 में इसी दिन भारत की नई संविधान सभा के जरिए अंतरिम भारत सरकार का गठन हुआ था। भारत में अंग्रेजों के आगमन के बाद पहली बार भारतीय लोगों के हाथ देश की कमान आई। अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण की जिम्मेदारी इसी सरकार को ही निभानी थी। बुनियादी तौर पर सरकार का प्रमुख अंग्रेज वायसराय ही थे, लेकिन बाद में उसे मंत्रिपरिषद में बदल दिया गया। मंत्रिपरिषद के उपाध्यक्ष के नाते जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। वल्लभ भाई पटेल के पास गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय का प्रभार था। ये अंतरिम सरकार 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने तक कायम रही। न्यू दिल्ली एंड ऑल्दो द सीन लुक्स क्वाइट एनफ देयर वाज नेचुरली टेंस एक्साइटमेंट व्हेन मेंबर्स ऑफ इंडियाज इंटरिम गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर नेहरू वेंट टू द वाइसरॉयज हाउस। दे वर रिसीव्ड बाय लॉर्ड वेवर who was to administer the oaths of allegiance, of office and of secrecy, whereby Indian affairs passed into the care of an all-Indian cabinet. भारत अगस्त 1947 तक ब्रिटेन की संप्रभुता में रहा, लेकिन अंतरिम सरकार ने अमेरिका सहित अन्य देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। संविधान सभा के सदस्यों से ही अंतरिम सरकार बनी थी, जिसने स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करना भी आरम्भ कर दिया था। आज हम महान क्रांतिकारी वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी सरोजनी नायडू और जाने माने बांग्ला कवि तथा संगीतकार हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के भाई वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय को विदेशी धरती पर अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ अभियान चलाने का श्रेय है। यूरोप और अमरीका में उन्होंने भारत में जारी अंग्रेजी शासन को लेकर जमकर अभियान चलाया। मंदिर मंदिर सपन तले कत प्राण लो बलिदान लिखा जो सृजले। पहले मद्रास और फिर कलकत्ता में पढ़ाई के बाद वीरेंद्रनाथ 1902 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। वहां वे इंडिया हाउस में चलने वाली गतिविधियों के संपर्क में आकर आंदोलनकारी बन गए। इंग्लैंड में चट्टोपाध्याय का यूरोपीय क्रांतिकारियों से गहरा रिश्ता बना। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने पर बर्लिन प्रवासी भारतीय क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया। इस बीच वीरेंद्रनाथ सितंबर 1914 में बर्लिन में स्थापित इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी का प्रमुख चेहरा बन गए। इस कमेटी ने भारत के बाहर और भारतीय सैनिकों में जागरूकता अभियान चलाया तथा सैन्य कार्रवाई के लिए प्रशिक्षण का कार्य किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद चट्टोपाध्याय ने भारत जर्मन संबंधों की बेहतरी के लिए बर्लिन में इंडियन इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना की। वे साम्राज्यवाद विरोधी लीग से भी जुड़े रहे। उनकी जिंदगी के आखिरी दिन सोवियत संघ में गुजरे। सोवियत संघ में तत्कालीन स्टालिन की सत्ता ने उन्हें जासूसी का दोषी ठहराया और 1937 में उन्हें गोली मार दी गई। भारत से बाहर आजादी का अलख जगाने वाले महान शहीद को शत शत नमन।